तो बोलते हैं ना कि पूरी कायनात आपकी थोड़ी देर के लिए बाहर रखी थी तो किसी ने पेट्रोल की नली काट दी और पेट्रोल चोरी कर लिया। गुस्से में आप एक अलग जोन में रहते हो, मुंह से कुछ भी निकलता है। लोगों में बोलने की आदत तो हो जाएगी भैया। मतलब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से करना चाहो तो बोलते हैं ना कि पूरी कायनात आपकी बारह बजाने में लगी रहती है। तो अभी Day 3 है और रात की बज रही है 2 बजने में। अब एक्चुअली हुआ क्या है, मेरे फ्रेंड का एग्ज़ाम था जो कि मेरे कॉलोनी में रहता है, तो वो भोपाल से आ रहा है तो उसको पिकअप करने जाना है 2 बजे। मतलब अब बोलना मत कि मैं नाटक कर रहा हूँ या कुछ ऐसा हो रहा है, यह मेरे साथ ऑटोमेटिकली हो रहा है। मैंने खुद नहीं कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ सोना लेकिन मेरे को सोने को नहीं मिल रहा है। तो अभी जाते हैं उसको लेकर आते हैं और शांति से वापस हो जाए। A few moments later. मतलब ये थोड़ी दूर तक मेरी गाड़ी आई और यहाँ पे ये चोट हो गई मेरे साथ। देखना ना, गाड़ी मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर रखी थी तो किसी ने पेट्रोल की नली काट दी और पेट्रोल चोरी कर लिया। तो धक्का लगाते लगाते मेरे को आना पड़ा। गुस्सा तो बहुत आ रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि मैं गया भी उधर पीछे अंधेरे में देखने की कहीं का पकड़ में आ जाए, वरना दोहाता हुआ आज बहुत। पर ऐसा है कि अब जो ले जाने वाला था वो लेके चलेगा। गुस्से को शांत करते हैं और सोते हैं, क्योंकि इतनी सी बातों का लोड नहीं लेते अपन। कभी पकड़ में आएगा तो पक्का मार खाएगा अब वो। तो मिलते हैं सुबह। तो दोस्तों आज तीसरे दिन भी मुझे 9 बज गई उठते उठते, क्योंकि मैं सोया ही था 3, 3:30 या 4 बजे के समथिंग। अब हुआ ऐसा था, रात को आपने देखा था, मैंने प्रॉपर आप लोगों को दिखाया नहीं कि हुआ क्या था मेरे साथ। एक्चुअली मेरा फ्रेंड है जितेन, उसका एग्ज़ाम था तो भोपाल से आ रहा था, तो उसको नाइट में लेट हो गया था। तो उसने मुझे फ़ोन कर दिया था 1 बजे कि भाई मेरे को लेने आ जाना, 2-1 बजे तक मैं आ जाऊँगा। तो मैंने मेरे मेरी बाइक मतलब घर के बाहर ही रहती, गेट के बाहर। तो हुआ ऐसा कि अब मतलब 11 से 1 बजे के बीच में, है ना, 1 बजे के बीच में कोई महापुरुष आया, गाड़ी की टंकी में टंकी का जो पेट्रोल वाला पोर्शन रहता ना पाइप का, तो पाइप काट दिया और पेट्रोल निकाल के ले गया। फिर 2 बजे जितेंद्र का फ़ोन आता है कि भाई मेरे को लेने आ जा, तो मैं लेने चले गया और आधे रास्ते में गाड़ी हो गई बंद। अब वहाँ पे मैंने देखा यार कि क्या हो गया एकदम से, पेट्रोल तो बंद था। मैंने चालू करा, देखा तो पेट्रोल की नली टूटी हुई है, फिर मतलब कटी हुई अलग ही दिख रहा है वो। मैंने जितेंद्र को बोला कि भाई तू बस स्टैंड से आ जा, गाड़ी अपने को धकानी पड़ेगी, आज पैदल ही चलते हैं। तो फिर वहाँ से मैं आया। अब मैं ऐसा कि वो चीज़ आपको दिखाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि ऐसा रहता नहीं है कि मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड क्या, ऐसी सिचुएशन आती है तो इंसान ऑब्वियस गुस्से में आ जाता है। तो मैंने शूट नहीं करा, ज़्यादा शूट करा ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि वो एक अलग रूप आप लोगों को दिखाना गलत हो जाएगा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो चोर ने नली कैसे काटी है मेरी गाड़ी की टंकी की। ये तो ये रही नली, ये देखो ये ऐसी यहाँ से काट दी है। और वहाँ मैं परेशान हो गया था, मतलब मेरे अंदर का ऐसा कि गुस्सा बाहर निकल गया था। फिर मैं रात को यहाँ पे आया, फिर ऐसा रहता ना कि इंसान एक अलग ही जोन में आ जाता है गुस्से में। तो मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने निकाला स्टम्प और मैं फिर गली में घूमने लग गया कि ये चोर मेरे को अब मिल जाए। क्योंकि वो चोर एक मतलब आधे घंटे का इंटरवल ही होगा, उस बीच में उसने मेरी गाड़ी में से सामान निकाला था। हालांकि पापा ने फिर मेरे को बोला कि आ जा अंदर आ जा, ठीक है अब चोरी कर ली तो क्या, जो लेके चले गया तो चले गया, वो अपन क्या कर सकते हैं उसमें। और हाँ, मैंने ये चीज़ सारी शूट भी नहीं करी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि गुस्से में आप एक अलग जोन में रहते हो, आपके मुँह से कुछ भी निकलता है, फिर लोगों को सबको ये चीज़ दिखाना ठीक नहीं है। तो मैंने इसलिए शूट भी नहीं करा वो सब। फिर बाद में थोड़ी देर बाद में शांत भी हो गया यार, कि 3 मतलब वापस घर पे आया 3-1 बजे तक, शांत हो गया कि नहीं यार ठीक है, गुस्सा नहीं करते हैं, थोड़ा चिल मारते हैं, ठीक है जो ले गया तो ले गया, अब क्या कर सकते हैं। तो
अभी दिन तो अपना ऐसे ही ख़राब हो गया है। मतलब मैं 3 दिन, मेरे एक दिन ढंग का गया, 2 दिन तो खराब ही गया। तो एज यूजल मैं वही अपने रूटीन पर बैठूंगा, पढ़ाई वढ़ाई करूंगा, शाम को वर्कआउट करूंगा थोड़ा बहुत, और मिलते हैं शाम को। 3 hours later. गेस व्हाट, आज मैंने क्या करा? आज मैंने 20 मिनट तक मेडिटेशन करा। 20 मिनट का मेडिटेशन मेरे लिए तो बहुत लंबा है कि 3 दिनों में तुम इतने चेंजेस ला रहे हो। और हाँ, मैंने फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करी नहीं है क्योंकि 3 दिन, तीसरा दिन है और आज वो सब हरकत हुई रात को, तो मेरा मूड थोड़ा ख़राब हो गया। तो आज मैं पुशअप्स लगा रहा था। तो पहले ऐसा होता था कि मैं जब भी पुशअप्स लगाता था तो मिनिमम, मतलब एक सेट में कम से कम 30, मतलब 25 to 30 में लगा देता था इजीली। और आज जब मैं लगा रहा था ना पुशअप्स, तो यार मतलब 5वीं बार मेरे ऐसे हाथ कांपने लग गए। भाई ये चल क्या रहा है, मतलब इतना वीक हो गया हूँ मैं। और ये जो 21 दिन का चैलेंज मैंने खुद को दिया हुआ है, ये इसलिए नहीं है कि सिर्फ मैं मेडिटेशन करूँ, मतलब ओवरऑल लाइफ को लेके। जैसे होता है ना कि आप आपकी लाइफ में एक अनसर्टेनिटी बना लेते हो कि किसी भी चीज़ का कोई फिक्स नहीं है, आपका माइंड सेट सही नहीं है, आप फिजिकली भी वीक होते जा रहे हो। तो इसलिए मैंने ये सेट करा है कि 21 दिन तक अगर गुड हैबिट में मेरे में डालता हूँ, तो 22वें दिन क्या ऐसा होगा कि मैं गुड हैबिट्स में रहूँगा ऐसा। तो इसलिए मैं मेडिटेशन भी कर रहा हूँ ताकि मैं फोकस हो जाऊँ, और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहा हूँ, थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा मैं धीरे से। अभी तो इंटेंसिटी के नाम पे तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, हालांकि मैं बढ़ा दूंगा। हाँ, बट पहले और तीसरे दिन में एक अंतर तो आ गया है। जैसे पहले दिन में मेरे को बोलने में भी यार ऐसा ऐसा ये वो, अब थोड़ा बोलने में फ्लुएंट होते जा रहा हूँ। अगर 21 दिन तक व्लॉगिंग करूँगा तो भाई आज तक चले जाऊँगा, तो ये बात तो अच्छी है कम से कम। चलो मेरे को व्लॉग में बोलने की आदत तो हो जाएगी भैया। अभी रात की बज रही है, मतलब 11 बजने में, और मुझे थोड़ा मतलब पढ़ाई में, मतलब घर में अंदर ही अंदर में बोर हो रहा था। तो मैं सोच रहा था कि आज जितेंद्र के घर चल जाता हूँ, वहाँ थोड़ा पढ़ाई कर लूँगा, और मेरे को थोड़ा स्टोरेज का काम भी है वो भी कर लूँगा, और जल्दी से उठ के आ भी जाऊँगा क्योंकि तो वहाँ नींद जल्दी खुल जाएगी और कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं रहेगा। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, डे 4 में। तो गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।